अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदील। आप देख रहे हैं अदील भाई यूट्यूब चैनल। तो सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, आज सऊदी अरब की नई अपडेट लेके आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। आज जुमा 17 अप्रैल और 2020 है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में जदीद तरीन डिजिटल थर्मल सिस्टम नस्ब किया गया है। आज उसके लिए हम आपसे बात शेयर करेंगे। तो उससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतहाई हसास नोयत का थर्मल मॉनिटरिंग कैमरों से लेस डिजिटल कंप्यूटराइज सिस्टम नस्ब कर दिया है। डिजिटल सिस्टम के जरिए मस्जिद नबवी में आने वाले जायरीन का जिस्मानी दर्जा हरारत नोट किया जा सकेगा। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक डिजिटल थर्मल सिस्टम के जरिए एक ही वक्त में 9 मीटर दूरी से 25 अफराद का जिस्मानी दर्जा हरारत नोट किया जा सकेगा। अतलात के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए मस्जिद नबवी में नस्ब किए जाने वाले डिजिटल थर्मल सिस्टम के जरिए मस्जिद में आने वाले अफराद का जिस्मानी दर्जा हरारत और दीगर मालूमात को एक माह तक हार्ड डिस्क में महफूज किया जा सकेगा ताकि बाद अज़ा किसी भी नौइयत की मालूमात के लिए इन अफराद से राबता किया जा सके। जदीद तरीन डिजिटल थर्मल सिस्टम की खासियत है कि वो फौरी तौर पर मुआयना किए गए अफराद का जिस्मानी दर्जा हरारत कंट्रोल रूम में मौजूद मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के साथ फौरी तौर पर साउंड अलर्ट भी जारी करेगा। अलावा अजी मुतलका जिम्मेदारों को मोबाइल सिस्टम पर मजकूरा शख्स की रिपोर्ट भी अरसाल कर दी जाएगी। वाजह रहे कि मदीना मुनव्वरा की बल्दिया ने शहर की मरकजी सब्ज मंडी में डिजिटल थर्मल कैमरों से लेस ड्रोन के जरिए लोगों की मॉनिटरिंग की सहूलत फराहम की हुई है, जबकि मार्केटों में आने वालों का जिस्मानी दर्जा हरारत रिकॉर्ड करने के लिए अहलकारों को भी मुतय्यन किया गया है। याद रहे, मदीना मुनव्वरा में कोरोना से बचाव के लिए 24 घंटों का कर्फ्यू और लॉकडाउन किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंस के असूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। इस जमन में वजारत सेहत का कहना था कि लोगों को चाहिए कि घरों से ना निकले और समाजी रबतों को ख़त्म करते हुए कोरोना वायरस से बचाव के अमल को तेज़ किया जाए ताकि इस वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यू अपडेट। तो इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियो सुनने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अपना और अपने गिरदोनवा साथियों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।